दोस्तों फॉक्सवैगन टी रॉक एक बेहतरीन कार जिसको फॉक्सवैगन ने इंडियन ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया था। इस कार को हम 6 पॉइंट्स एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स इंजन प्राइस और साथ ही ये कब लॉन्च होगी, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हेलो गाइज, मेरा नाम है सुरेश, आप देख रहे हैं मोटो मंत्रा, मंत्रा फॉर योर मोटो। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं फॉक्सवैगन अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ सेफ्टी पर भी पूरा जोर देती है और आज के सेशन में हम टी रॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस कार के एक्सटीरियर लुक की बात की जाए तो इस कार को कंपनी ने काफी स्पोर्ट्स लुक देने की कोशिश की है। इस कार को अगर फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे आपको कैस्केड ग्रिल्स मिलती है, जहाँ पे आपको फॉक्सवैगन की बेजिंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आरलाइन की बेजिंग भी देखने को मिलेगी। वहीं इसके हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलने वाले हैं और इसके नीचे डे रनिंग लाइट्स देखने को मिलेगी, साथ ही और नीचे जाने पर आपको फॉग लैम्प देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर फ्रंट लुक को देखते हैं और इसके बोनट पे लाइंस को देखते हैं तो ये कार आपको काफी अग्रेसिव फील देने वाली है। इस कार का अगर साइड व्यू देखे तो आपको यहाँ पे शार्प लाइन इस कार को काफी बोल्ड लुक दे रही है। वहीं इस कार में आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग देखने को मिलेगी, रूफ के साथ साथ ORVM को भी ब्लैक टच दिया गया है। वहीं इसके अगर टायर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर इस कार को रियर से देखते हैं तो यहाँ पे आपको LED रियर लाइट्स देखने को मिलती है, वहीं फॉक्सवैगन की बेजिंग के नीचे टी रॉक की बेजिंग भी देखने को मिलने वाली है। अगर इस SUV कार के इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लग्जरियस केबिन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन डैशबोर्ड के साथ साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलने वाला है, जो एक मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील होगी जिस पे आपको कई कमांड्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल्स के बटन के साथ साथ वॉइस कमांड और म्यूजिक कंट्रोल्स के बटन देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर MID की बात करें तो ये एक सेमी डिजिटल MID होने वाला ही है, जिसके अंदर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ साथ एनालॉग टैकोमीटर देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जिसमें कई सारे फीचर्स होंगे, साथ ही इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कार जैसी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसमें कंफर्टेबल सीट्स के साथ रियर और फ्रंट दोनों में आर्मरेस्ट मिलने वाले हैं, साथ ही कई सारे कप होल्डर भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर इस कार में फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे पैनारोमिक सनरूफ, इंजन स्टार्ट, स्टॉप पुश बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, पार्क असिस्ट, साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स फ्रंट और रियर में, पार्किंग सेंसर्स फ्रंट और रियर में, डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS+ESG, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे कई सेफ्टी फीचर्स भी इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि इस कार में पावर की बात की जाए तो इस कार में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से पावर मिलने वाली है, जो कि लगभग 150 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा, साथ ही लगभग 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी। वहीं अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक DSG गियरबॉक्स देखने को मिलने वाला है। यदि बात की जाए इस कार के प्राइस की तो ये लगभग 20 लाख से शुरू होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अगर इसके राइवल्स को देखें जैसे MG हेक्टर, टाटा हैरियर, जीप कंपास, ह्यूंडई क्रेटा जैसी गाड़ियां इससे कम प्राइस में इससे ज़्यादा फीचर्स दे रही है, जो कि एक ड्रॉबैक पॉइंट इस कार के लिए साबित हो सकता है। अगर इस कार के लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये कार इस साल के मिड में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते इस कार को लॉन्च नहीं किया जा सका। अब ये कार इस साल के एंड में मिलना शुरू हो सकती है, लेकिन आप इस कार की प्री बुकिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई विचार या सवाल हो इस कार के बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियोज के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुरेश विद सुकील। Peace out.